नमस्कार, एमएमसी न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं नेहा हबीब खान। जिस तरीके से विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी वाड्रा ने ऐलान एक तरह से कर दिया है कि जितने भी परेशान हैं, जो हुकूमत के खिलाफ है या फिर जो हुकूमत की वजह से शिकार हुए हैं, उन लोगों के लिए कांग्रेस में टिकट खाली है और सीट भी खाली है, आपका स्वागत है। इस तरीके से मैसेज के बाद अब ये माना जा रहा है कि अब आने वाले वक्त में विधानसभा चुनाव में वो सभी ऐसे शिकार हुए लोग, किसी की बच्ची के साथ रेप हो या फिर किसी का भाई खोया हो, उन सब लोगों को आने की उम्मीद भी है और वो लोग शामिल हो रहे हैं, जिसकी वजह से लखीमपुर खीरी कांड शायद हर किसी को याद हो, क्योंकि इस कांड में हमने कम से कम 8 लोगों को रौंदते हुए देखा था। 8 लोगों की हत्या की गई थी, तब तक खबर चलती थी कि यह हत्या नहीं, गलतफहमी है, लेकिन अब ये एसआईटी की टीम जब फैसला सुना चुकी थी, उसके तरफ से जो जानकारी दी गई थी कि एसआईटी द्वारा ये चार्जशीट भी दाखिल कर दिया गया है, उसको देखते हुए कहीं ना कहीं अब ये कहा जा रहा है कि अजय मिश्रा टेनी का बेटा यानी आशीष मिश्रा टेनी मुख्य आरोपी है, यानी कातिल करार दिया गया है और 13 लोगों को, आशीष मिश्रा टेनी सहित 13 लोगों को यानी जेल भेज दिया गया है, सलाखों के पीछे है। लेकिन सवाल ये है, गिरफ्तारी अब तक क्यों नहीं हुई? सवाल बार बार ये भी दोहराने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो कांग्रेस हो, एसपी हो या फिर बीएसपी की बात करते हैं, तमाम जो विपक्ष पार्टी है वो सवाल उठाती हुई नजर आती है कि आखिर गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है टेनी की। लेकिन बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, वो अब जेल में है, सलाखों के पीछे है। अब सवाल ये उठता है कि 8 लोग जो रौंदे गए थे, जिनकी हत्या हुई थी, अब उसमें से कई लोग अब सामने आए हैं जिनको कांग्रेस की तरफ से टिकट दी जा रही है, और उसी टिकट में पत्रकार रमन की हत्या भी है, उसे कुचल दिया गया था 3 अक्टूबर यानी 2021 को। रमन का भाई यानी पवन को अब टिकट मिल गई है, वो कांग्रेस में भी शामिल हो चुके हैं और कांग्रेस में आने के बाद ये वादा किया गया है कि विधायक बनने के बाद यानी जो भी परेशानी किसी की भी आती है उसको लेकर हम डटकर मुकाबला करेंगे और लोगों को न्याय दिलाने की हमारी जिम्मेदारी होगी और हम उन लोगों को ईमानदारी के तौर पर न्याय दिलाएंगे जो हमारे साथ हुआ, हमारे भाई के साथ हुआ है, वो किसी और भाई और बहन के साथ ना हो। एमएमसी न्यूज में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एमएमसी न्यूज के साथ। नमस्कार।